हेलो अस्सलाम वालेकुम, आई होप ऑल यू एंड योर फैमिली आर फाइन। तो आज मैं काफ़ी दिनों के बाद घर से निकल रहा हूँ, लेकिन आज जा रहे हैं हम बाहर। तो इशफाक भाई को थोड़ा सा काम था, आज इशफाक भाई के साथ संग तोड़ना पड़ा। इशफाक भाई अभी घर पे ही, उसको एक दो दिन काम है, तो मैं निकल गया घर से अकेले। आज थोड़ा सा फील हो रहा है क्योंकि घर में थे रमज़ान के टाइम पे, घर वालों के साथ थे तो अच्छा लगता था, लेकिन क्या करें, काम ऐसा है कि हमें घर छोड़ना पड़ा एंड ये हम चले। हमें घर से आज उठाना पड़ा क्योंकि उधमपुर जाते थे तो एक दिन में वापस आते थे, कोई सामान नहीं लेते थे, लेकिन आज कूलर भी घर से लाया एंड कपड़े भी, और एक बैग अंदर रखा है अभी। बस आगे उमर भाई को उठाना है। आज आपको एक नया भाई देखने को मिलेगा जो मेरे साथ आएगा आज चक्कर में। तो आगे उमर भाई जो मेरे साथ आएंगे चक्कर को, तो उमर भाई रख रहे हैं ये सामान वामान ठीक से। बाकी हम चल रहे हैं, अभी पता नहीं कान भाई छोड़ी या नहीं छोड़ी, तो आगे देखेंगे। पहले थोड़ा मेन रोड पे पहुंचेंगे, फिर अगर छोड़ी होगी तो ठीक, नहीं छोड़ी होगी तो लाइन में बैठेंगे, लेकिन आज कानवा यहीं से कन्फर्म है। तो बस चलते हैं अभी। और बाकी गर्मी का, अभी कश्मीर में भी गर्मी आज बहुत ज़्यादा है, कल दो दिन से ना ठंड मौसम था, लेकिन आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। दुखद समाचार ये था कि गाड़ी बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे पीछे फंस गई थी। अभी वहाँ ये देखो, बहुत बुरी तरीके से, मतलब नामुमकिन था गाड़ी को निकालना। अभी तो अंधेरे है, वहाँ दिखेगा नहीं, और इस रोड पे कोई चल ही नहीं रहा। तो आप देखो गाड़ी का टायर हाइट में कितनी अब चढ़ाना पड़ा, ये टायर का जग लगा है यहाँ पे, यहाँ पे, और टायर देखो कितनी हाइट में, बिल्कुल इतनी हाइट में, और इसको बहुत बहुत मुशक्कत के साथ, बहुत मुश्किल के साथ गाड़ी निकली है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी निकली। तो बस अभी इसको जैक को नीचे उतारेंगे, फिर आपको आगे मिले। गाड़ी छोड़ दी कान भाई आज तीसरे दिन। तो अभी हम हैं टोल प्लाजा पे, ये देखो फिर भी इधर जाम है पूरा। मैं बराबर टोल प्लाजा पे खड़ा हूँ, सामने रोड बंद है, अभी देखेंगे कितना टाइम लगेगा। और इशफाक भाई और मीनू भाजी आगे है, तो बस अभी आगे टनल पार करेंगे, फिर आपको मिलेंगे आगे टनल में। आगे हम टनल के इस पार पुराने वाले रोड से, पूरा पुराना वाला रोड, और हम जा रहे हैं यहाँ से उमर भाई और मैं। बाकी अभी आपको उमर भाई से मिलाएंगे। तो ये हमारे उमर भाई। उमर भाई क्या हाल है, मज़ा आ रहा है? दो दिन हमें कानवाई में टूट गया यार, है ना। चलो आज हम चलेंगे, अभी देखेंगे कहाँ जाएंगे। तो बस अभी मिलते हैं आपको आगे। गाइस अभी हम पहुंचे शेयर बीबी, तो ठीक है आज अभी तक कोई जाम नहीं मिला, जब होप आगे भी जाम ना मिले। वैसे इशफाक भाई बोल रहे थे कि आगे जाम नहीं है, तो बाकी आज हमारी प्लानिंग हो रही है कि बाहर कहीं जाएं। अब बस देखना है कि कहां जाएंगे, अभी ये पूरा प्लान नहीं हुआ। तो आप देख सकते हो गाड़ी आराम से चल रही है, तो हम भी चल रहे हैं, देखेंगे कहां जाएंगे, क्योंकि आगे ईद भी है ना, तो ईद के लिए भी सोचना है मेन इम्पोर्टेंट। अब इतना टाइम घर में बिताया, तो अब ईद घर में होती तो अच्छी बात थी, क्योंकि ये साल में दो ही बार त्यौहार आते हैं, छोटी दादी है बड़ी दादी है। देखेंगे अब जब किस्मत में होगी करेंगे घर में ईद। बाकी अभी चलेंगे, ये देखो ट्रेलर जा रहा है आगे आगे, ये इतने बड़े, इतनी बड़ी गाड़ियाँ क्या करना है इधर। ये देखो इन बेचारों को भी दिक्कत हो रही है गाड़ियाँ मोड़ने में। चलो गाइस पहले इसको पार करते हैं ना, फिर आगे देखें। जहाँ मैं आगे तक टनल के पास तो नहीं है, पंचाल टनल के पास नहीं है, लेकिन मगरकोट में जाम है, तो देखेंगे आगे किसका जाम है। बाकी सो गाइस फाइनली पहुंच गए हम नासरी टनल में। इशफाक भाई और माजिद भाई आगे वेट कर रहे हैं, तो उसके बाद खाना खाएंगे, भूख बड़ी लग गई। और इस टाइम टाइम आया 11:45, तो बस टनल पार करके फिर खाना खाएंगे और फिर वहीं पे बात करेंगे कि क्या कर रहे हैं आगे। तो कल वाले व्लॉग में आपको पता चलेगा, मतलब इसके बाद जो व्लॉग आएगा उसमें आपको पता चलेगा कि हम कहाँ जाने वाले हैं। इतना कन्फर्म है कि उधमपुर हम नहीं जाएंगे, लॉन्ग ट्रिप है। और इन रस्ते में मैं स्टोरी भी चढ़ा हुआ है कि हम कहाँ जाएंगे, पहले हम पूरा प्लान करेंगे कि कहाँ जाना है। कल वाला व्लॉग ज़रूर देखना, वहाँ पे मैं आपको बोलूँगा, आप सब भाइयों के कमेंट बहुत आएंगे, साहिल भाई बाहर आ जाओ बाहर आ जाओ। तो आज हम जा रहे हैं बाहर, बाकी कल वाले व्लॉग में पूरा देखना।
बस अभी चल रहे हैं हम, मिलते हैं आपको आगे। सो गाइस, खाया हमने खाना, निकल गए हैं वहाँ से। तो इश्फाक भाई बीच में, माजिद भाई मिल गए, तीनों गाड़ियाँ फिर से वापस। तो प्लान हो गया हमें कहाँ जाना है, लेकिन आपको इस वाले व्लॉग में नहीं, कल वाले व्लॉग में मैं बोलूँगा हमें कहाँ जाना है। बाकी आप देख सकते हैं पीछे उमर भाई स्पीकर ठीक कर रहा है, पता नहीं इनको क्या हो गया, स्पीकर की वायर कट हो गई है, तो उमर भाई यही ठीक कर रहा है। बाकी हम चल रहे हैं, तो अभी हम पहुँचने वाले हैं बनी नाला। ये देखो तीनों गाड़ियाँ बिल्कुल एक साथ, और सामने पहले माजिद भाई, बस अब तीनों गाड़ियाँ इकट्ठी रहेंगी इंशाल्लाह। सो गाइज, इट इज टाइम टू से गुड बाय टू उधमपुर रेलवे स्टेशन। ये देखो इश्फाक भाई, इश्फाक भाई, ये तो ये हमारा रोड था, आपको पता है हमने मतलब एक डेढ़ महीने से खाद पे चले, तो इश्फाक भाई इंडिकेटर दिखा रहे हैं। सो यस, आज लॉन्ग ट्रिप स्टार्ट हो गई। तो बाकी ये शीशे को इग्नोर करना है, अभी पता नहीं इसको एक क्या लग गया है, आगे इसको साफ करेंगे। गाड़ियाँ ना खुद उधमपुर रेलवे स्टेशन की तरफ भाग रही थी, लेकिन आज हम इनको भागने नहीं देंगे। बाकी स्पीड चेक करो, जब चले तो चले, फिर अच्छे से चले। क्योंकि जर्नी ठीक है, ज्यादा दूर भी नहीं है, बस ड्यू टू ईद थोड़ा जल्दी आना है। सीजन के बाद में मेरे ख्याल से मैं आज दार रोड से जा रहा हूँ। तो ये इश्फाक भाई भी मुड़ गए, इश्फाक भाई ने मेरे बाद एक चक्कर दिया था, उसके बाद इश्फाक भाई भी इधर ही थे लोकल, और मैं भी। बस चल रहे हैं जल्दी गाड़ी में, शीशा साफ कर रहा है। मैंने बोला फिर उमर भाई को, आप सो जाओ, बाद में उमर भाई गाड़ी चलाएगा, तो इसलिए बस हो गया अब साफ। इसका नंबर मिल गया है, देखो JK03E5403, मेरी गाड़ी को है JK03E5411, तो ये सेम सीरीज, इसका मतलब ये सेम मॉडल गाड़ियाँ है। सो गाइस, पहुँच गए हम बटल मोड़ वाले नाके पे। तो यहाँ पे देखो गाड़ियाँ कितनी हैं, दार रोड से ना ये पहला वाला नाका है जो दार रोड में लगता है, बटल मोड़ वाला नाका, यहाँ पे तो फिर भी गाड़ियाँ कम होती है, गाड़ियाँ ज़्यादा होती है और एक मोड़ में स्लैक मोड्स में। तो बाकी रोड का पूछो मत, बीच वाले टायर में थोड़ा ज़्यादा ब्रेक है, बीच वाले टायर में ज़्यादा घिसता है। तो गाइस ये हम पहुँच गए मानसर, तो मानसर लेक तो आपको पता ही होगा, मोड़ पर करके मानसर लेक आएगा, राइट से मिलेगी दिखेगा नहीं। तो ये यहाँ मानसर का पुलिस पोस्ट है, बाकी इश्फाक भाई से अभी भी आगे आगे जा रहे हैं। तो ये है मानसर लेक जो आपको नहीं दिखेगा, अभी रात है ना, चलते हैं, अभी हम पहुंचने वाले हैं स्नैक मोड्स की तरफ। रोड का हाल देखो, बहुत बुरा हाल है रोड का, सेम पिछली बार की तरह, उससे ज्यादा ही बुरा हाल है रोड का। तो बस अभी थोड़ा सा रह गया, तो फिर हम पहुंचेंगे स्नैक मोड्स की तरफ। बाकी उमर भाई सो रहे हैं और हम चल रहे हैं, इश्फाक भाई वो आगे थे, और जिस भाई ने अभी इश्फाक भाई की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो जल्दी से जल्दी जाके के हमारे इश्फाक सर्च करें यूट्यूब पे, और के हमारे इश्फाक को सब्सक्राइब करें, जो कि आपको नीचे भी दिख रहा होगा और लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो सब्सक्राइब किया हमारे इश्फाक, इश्फाक भाई के जल्दी से जल्दी यार 20K करा दो यार इश्फाक भाई के। बाकी हम ऐसे ही चलते रहेंगे, आप
इन्हें कोई, और ये देखो एक है हमारे इश्फाक, जाके जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो यार। ये देखो इश्फाक भाई ने भी लिखा है यूट्यूब कि हमारे इश्फाक। सो यस, नीचे आपको दिख रहा होगा फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, सब जगह एक ही नाम है इश्फाक भाई का, कि हमारे इश्फाक, दो सब्सक्राइब। इश्फाक भाई के साथ बात कर रहा था फोन पे, तो तब तक हमने स्नैक मोड पार कर लिए, तो ये लास्ट वाला मोड है, बाकी ऊपर रह गए ये नीचे वाले है। तो इसके बाद अभी हम पहुंचने वाले हैं सांबा। गाइस पहुंच गए हम सांबा मेन मार्केट में, लेकिन आज हम जा रहे हैं फ्लेवर से, क्योंकि ये फ्लेवर खुल गया, तो तब ये फ्लेवर नहीं था। यहाँ से इश्फाक भाई रील बना रहे, ये देखो इश्फाक भाई यहाँ से रील बना रहे, तो बस चल रहे एंड व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो कर दें इस व्लॉग को यहीं पे एंड। होप आप सबको ये व्लॉग पसंद आया होगा, अगर आपको किसी भी रीज़न से व्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं आपको अगले कल वाले व्लॉग में, मिलेंगे अगले में नहीं। बाकी ये देखो इश्फाक भाई रील बना रहे हैं, तो इश्फाक भाई के जल्दी से जल्दी 20K सब्सक्राइब करा देना। तो इश्फाक भाई कंटिन्यू रील बना रहे हैं, तो ये हमारी लॉन्ग ट्रिप सीरीज का पहला व्लॉग है, तो आप कंटिन्यू व्लॉग आएंगे, तो मिलते हैं आपको कल। बाकी बाय बाय।